हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक. मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ. आफ्टर लॉन्ग 2 मंथ्स गैप आई एम बैक. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आई वॉज नॉट वेल. मैं नहीं कर पाई कोई भी शूट. आई वॉज कम्प्लीटली नॉट एट ऑल ऑनलाइन. वॉज नॉट एबल टू डू एनी असाइनमेंट्स. बट कोई बात नहीं, आई एम बैक अगेन एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दो सब्सक्राइबर्स, ऑल दो फॉलोअर्स. स्पेशली मेरे लिंकिंग के कनेक्शन, स्पेशली मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स जो है वो वेट कर रहे थे वीडियो के लिए. लगभग रोज मुझे मैसेजेस आते थे कि आपके वीडियोज नहीं आ रहे हैं, मैम आर यू ओके. बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने ला कर दिए थे. उनमें से एक टॉपिक जो था मेरे पास हमेशा, कहीं पर भी जाती थी ये सवाल मुझे बहुत पूछा जाता था, आज उसी के ऊपर बात करने आई हूँ. और जैसे कि आप जानते हो, मैं एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करती हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं सेक्टर में ही काम करती आई हूँ, एक अलग अलग रोल पे काम करती आई हूँ. तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो मेरा नाम पूजा अंसनीकर है. आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शायद पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो के. और शुरू करते हैं वीडियो को. और मैं ये जरूर कहूंगी आप लोगों से कि ये टॉपिक जो है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और इंटरेस्टिंग केयर मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये जरूरी टॉपिक है और आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से. तो मेरे साथ अंत तक जरूर बनी रहिएगा. स्कूल कब खुलेगा? तो स्कूल कब खुलेगा ये जो सवाल है, ये हर कोई इंसान आके पूछता है. जैसे इट्स लाइक ए वेरी ट्रेंडी टॉपिक. सबको जानना है कि स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में स्पेशली रोज मतलब कभी न्यूज आती है कि 1 दिसंबर से स्कूल खुल जाएगी, कभी न्यूज आती है कि 15 दिसंबर से स्कूल खुल जाएगी, अब न्यूज आ रही है कि शायद 31 मार्च तक स्कूल नहीं खुलेगी या नया सेशन डायरेक्टली खोल देंगे. देखिए, इसका जो कम्प्लीट ये जो चल रहा है सिनेरियो, बेसिकली ये कोविड वेरिएंट के कारण या कोविड के इन्फेक्शन के कारण, कोई भी सरकार या महाराष्ट्र की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहती है कि बच्चे इन्फेक्टेड हो या बच्चों को कोई परेशानी हो, या वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे जिस सेफ्टी माहौल में घर पे हो, घर पे है, और वो यही चाहते हैं कि बाहर भी उन्हें वो सेफ्टी मिले. अभी जो चल रहा है कंप्लीट जो माहौल चल रहा है, जो वेरिएंट नया वेरिएंट आया है, तो उस वेरिएंट के कारण और डर आ गया है पेरेंट्स के मन में, और डर आ गया. और सबसे पहली बात जो चैलेंज आ रही है स्कूल खोलने के लिए इज दैट कि पेरेंट कंसेंट लेटर साइन नहीं कर रहे, पेरेंट्स कंसेंट नहीं दे रहे. एक दिन पेरेंट बच्चे को भेजता है और फिर दूसरे दिन नहीं भेजते. और दूसरी बात, इसका फायदा बच्चों ने भी बहुत उठाया है. बच्चे एक दिन स्कूल आना पसंद करते हैं, दूसरे दिन स्कूल नहीं आते, क्योंकि जो कंफर्ट जोन था उनका, वो कंफर्ट जोन जो आदत थी पहले रेगुलर स्कूल आने की, और सडनली लॉकडाउन पढ़ने के बाद, लाइक लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद उन्हें ऑनलाइन घर में कंफर्ट जोन में कैमरा के सामने बैठना पड़ रहा है. और जब चाहे कौन सा भी क्लास उन्हें मन किया वो क्लास वो अटेंड कर सकते हैं, कौन सा क्लास उन्हें नहीं पसंद है तो वो नहीं अटेंड करते, अपने ईज में क्लास अटेंड करते हैं. बट अब जब ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाएगा, बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उन्हें सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, घंटों 6 घंटा बैठना है उन्हें, तो ये बहुत दिक्कतें आ रही उनके. तो ये उनके तरफ से बहुत सारे बहानेबाजी आ रही है, या बहुत सारे बीमार पड़ रहे बच्चे, तो ये सारी चीजों के कारण स्कूल में काउंट्स भी कम होने लग गए कि बच्चे स्कूल में एक दिन आते और एक दिन नहीं आते. और दूसरी बात, स्कूलों की ओर से ऐसा रहता है कि स्कूल शुरू जब होती है तो एक डेफिनेट फिगर चाहिए रहता है हमें, क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ. अगर एक क्लास शुरू करना है 9th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का, कोई भी क्लास एक शुरू करनी है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर्स होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक टीचर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है. तो एक क्लास को शुरू करने के लिए अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 टीचर वहां रहनी पड़ती है, साथ में सारा नॉन टीचिंग स्टाफ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बाकी सारी ऑपरेशनल चीजें भी वर्क करना शुरू हो जाती है. तो इस चीज से क्या हो जाता है कि जब बच्चों का काउंट, जैसे 38 बच्चों की क्लासरूम भरती है तो उसमें आधे, सरकार जब बोलती है कि आधे बच्चों को बुलाइए या ब्लेंड लर्निंग कीजिए, तो वह दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आप एटलीस्ट 15 बच्चे तो क्लास में होने चाहिए. 2-3 बच्चे जब क्लास में होते हैं तो 2-3 बच्चों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती है, जिसके कारण वो स्कूल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है. तो
तो और एक साथ जब ऑनलाइन भी पढ़ाना है और ऑफलाइन भी पढ़ाना है तो कंप्लीट स्कूल जो है वो वाईफाई करवानी पड़ती है, वो गैजेट लगाने पड़ते हैं जिससे टीचर ऑनलाइन क्लास ले पाए। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है वो स्कूल को प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब इस चीज के लिए अगर बच्चे का कंसेंट, पेरेंट अगर बच्चे का कंसेंट ठीक से नहीं पहुंचाते स्कूल तक, या स्कूल तक नहीं पता चलता कितने बच्चे आने वाले हैं, तो स्कूल को भी शुरू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तभी इसका सोल्यूशन हम अगर बात कीजिए तो बहुत सारे अलग, महाराष्ट्र छोड़ के बहुत सारे अलग एरियाज में, अलग सिटीज में, स्टेट्स में स्कूल स्कूल गई है, उन्हें चैलेंजेस भी आए हैं। बहुत सारे चैलेंज आने के कारण उन्हें बहुत सारे स्कूल्स बंद भी हुए हैं। सबसे मेजर चैलेंज जो उन्हें आया है ये वो बच्चों का स्ट्रेंथ है, दूसरी बात बच्चों की फीस नहीं आना। अब इतने साल से स्कूल बंद होने के कारण, फीस नहीं होने के कारण स्कूल्स मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो ये सारी चीजें भी हुई है। तो अभी कंप्लीट मैं ये बोल सकती हूँ कि पेरेंट्स को और सरकार अभी दिमाग में ये सोच के चल रही है कि ओके स्कूल ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शन में ऑनलाइन तो है, बट हाँ इसके साथ बहुत ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है जो बच्चे घर से पढ़ नहीं पा रहे थे। कुछ बच्चे जो सर्वे के हिसाब से बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हुए, अच्छे घर के भी बच्चे, लाइक अब मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हुए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी ड्रॉप आउट्स हुए, क्योंकि पेरेंट्स की नौकरी चली गई, तो जो सैलरीड पेरेंट्स थे उनकी नौकरी चली गई है तो बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे, तो इसके कारण बच्चों ने ड्रॉप आउट्स ले लिया है। फिर रुचि जो ऑनलाइन पढ़ने की सिस्टम से उन्हें मजा नहीं आता था, रुचि इनकी खत्म हो गई है। तो स्कूल में ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जो एक एक चीजें मैं आपको बताती आई हूँ ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब पेरेंट्स को इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि देखिए सबसे मेन बात होती है आपके बच्चों की सुरक्षा, यही सरकार भी देख रही है और हर कोई स्कूल भी यही देख रहा है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। हम पूरा स्कूल को सैनिटाइज करवाते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं स्कूल में, अच्छा वेंटिलेशन होता है, सब चीज प्रॉपर होती है, बट फिर भी एक भी बच्चा अगर बीमार पड़ जाए और सब जगह उसकी इंफेक्शन फैल जाए तो कंप्लीट सब सभी बच्चों को वायरस लग जाएगा, सभी बच्चों को सब बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्कूल को भी ये रहता है कि उन्हें अपनी सुरक्षिता, बच्चों की सुरक्षिता देखनी है, और सरकार भी यही कर रही है, इसीलिए वो आगे आगे बढ़ती जा रही है कि पहले जैसे 1 दिसंबर कहा गया, उसके बाद फिर 15 दिसंबर, अभी बोल रहे हैं कि मार्च तक हो सकता है या शायद नया सेशन ही वो खोल दे। तो देर आर मेनी चैलेंजेस विच इज गोइंग टू कम। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारे माहौल को समझ पाए हो। अब थोड़ा सा एक चीज समझिए कि कुछ तो चल रहा है ऑनलाइन, एक ही अभी जो ऑप्शन है ये ऑनलाइन ही ऑप्शन है। अपने आप को, बच्चों को भी ट्रेन कर दीजिए कि ओके अब हम फिजिकल स्कूल तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस जो मैंने अभी नरेट किए, इतने सारे चैलेंजेस हैं, बट ऑनलाइन जो चल रहा है उसे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट समझ के, कंपलसरी समझ के बच्चों को पढ़ाई का जरूर। और दूसरी बात फीस भरने का जब बात आ जाती है कि देखिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन भी स्कूल चल रही है, उतना ही टीचर्स लगते हैं, उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो इस चीज के लिए स्कूल आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो स्कूल की फीस भी इंस्टॉलमेंट में नहीं सही, बट आप स्कूल की फीस जरूर भरिएगा और स्कूल में आप जरूर विश्वास रखिएगा, सरकार में विश्वास रखिएगा, स्कूल जरूर खुलेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा वापस आना पसंद आया है और यू ही आपकी दुआओं का और मुझे मैसेजेस का इंतजार रहेगा, और मेरे साथ जरूर आप ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और दोबारा जरूर मिलूंगी, इस बार जरूर सच्ची में मिलूंगी। सो थैंक यू।